डीआईजी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट मकसूद अहमद मेमन को इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान के सदर मुकर्रर कर दिया गया है। मकसूद मेमन की तकर्री का फैसला इटली में आईपीओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में किया गया। तर्जुमान के मुताबिक एसएसयू सिंध पुलिस का पाकिस्तान में वाहिद आईएसओ सर्टिफाइड यूनिट है। आईपीओ की पाकिस्तान में नुमाइंदगी और सरबराही बड़ा एजाज है। मकसूद अहमद मेमन का कहना है कि बैन अलावामी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जराइम के खात्मे के लिए पुराजी है। कराची पुलिस के लिए बड़ा एजाज, डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद अहमद को बेहतरीन खिदमात के एतराफ में इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का सदर तैनात कर दिया गया है। तकरीरी का फैसला इटली के शहर मिलान में आईपीओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में किया गया है। तफसील लेंगे एहतशाम अजहर से। एहतशाम, क्या मालूमात हैं इससे मुतालिक? देखिए, डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद अहमद को जो है पुलिस में बेहतरीन खिदमात के एहसास में जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के सदर जो है तैनात कर दिया गया है। तकरीरी का फैसला जो है आईपीओ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनका मिलान इटली में जो है इजलास हुआ था, उसमें जो है फैसला किया गया था। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पेशेवराना और मौसर अंदाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में इजाफा और जराइम के खिलाफ जंग में मदद करना है। आईपीओ और अन्य सतह पर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर तंजीमों जिसमें एफबीआई, सीआईए, एनसीए, यूके, डब्ल्यूएचओ, यूएनसीओएल के साथ मामला के तबादले और बाहमी तआवुन के लिए जो है मुंसलिक है। डीआईजी मकसूद अहमद जो है पुलिस में अपने 20 साल सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं और मुख्तलिफ पदों पर जो है तैनात है। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान में जो है नुमाइंदगी करने का एजाज की बात है। उनकी जानब से जो है मीडिया में बयान भी दिया गया है कि तंजीम के बैन अलावामी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जो है मुल्क से जराइम के खात्मे के लिए वो पुरअज़म है। ठीक है, शुक्रिया आपने इससे मुतालिक अपडेट किया।